Electrical engineering MCQs, instrumentation and measurements and materials. पार्ट थ्री में आपका स्वागत है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट का ये पार्ट थ्री हम कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ एन इलेक्ट्रो डायनेमिक मीटर कैन बी यूज्ड टू मेज़र जो इलेक्ट्रो डायनेमिक मीटर आपके होते हैं जो उसका उसका जो यूज़ uh, किया जाता है कैन बी यूज टू मेजर ए वोल्टेज डी वोल्टेज बहुत ए और डी वोल्टेज देखिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रो डायनेमिक मीटर क्या होता है इसमें क्या रहता है आपके दो आपके फिक्सड कॉयल रहते हैं बीच में एक रोटेटिंग मूविंग कॉइल रहता है जब हम इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं जो इसमें जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है उसकी वजह से फ्लक्स एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है यहाँ पे और जो इन दोनों मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाले की मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है अपोज करती है अब दो फील्ड क्रिएट हो गई तो उसकी वजह से प्रोड्यूस इसमें टॉर्क होता है टॉर्क होता है तो ये क्या करता है वर्क करता है तो गाइज ये आपका जो इस, इसमें नेचर ऑफ जो करंट आपका चाहे ए हो चाहे डी हो दोनों के लिए काम करता है सो ऑप्शन सी इज़ द राइटेंस इलेक्ट्रो डायनेमिक मीटर काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा पूछा जाता है या काफी बार पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर

वेरिएबल कैप्स्टर यूज किया जाता है और एंडरसन द मेन एडवांटेज तो एंडरसन ब्रिज एंडरसन ब्रिज में क्या किया जाता है जो नॉर्मल फिक्स्ड वैल्यू कैप्स्टर होता है इसमें है ना नॉर्मल फिक्स्ड वैल्यू कैप्स्टर होता है जो स्टैंडर्ड वेरिएबल कैप्स्टर होता है काफी जो है हाई कॉस्ट उसकी रहती है तो इसलिए जो मैक्सवेल ब्रिज जो क्या रहता है आपका ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है टू एंडरसन ब्रिज एंडरसन ब्रिज तो इसमें जो ऑप्शन दिए पास रिडक्शन ऑफ कॉस्ट बैलेंस इक्वेशन इंडिपेंडेंट फ्रिक्वेंसी अटेनिंग बैलेंस कंडीशन इज ईजियर मेजरिंग मेजर्स हाई क्यू डॉक्टर नहीं ऐसा कुछ नहीं है द राइट आंसर इज

ट्रू वैल्यू दैट इज कॉल्ड योर डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू दैट इज कॉल्ड एब्सल्यूट एरर वेरी इजी नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एर इंट्रोड्यूसड बाई इंस्ट्रूमेंट फॉलिच कैटे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो एरर इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है इंस्ट्रूमेंटल इनसाइड उसमें कोई भी आपका जो आप कोई भी रीडिंग ले रहे हो आपकी तरफ से ऑब्जर्वर की तरफ से कोई भी मिस्टेक नहीं है लेकिन इंस्ट्रूमेंट आपका जो उसमें एरर आ रहा है तो एरर इंट्रोड्यूस्ड बाय इंस्ट्रूमेंट फॉल इन बीच कैटेगरी तो उसको कहते हैं सिस्टमैटिक एरर और जो अगर ह्यूमन एरर अगर उसमें किसी टाइप का उसको क्या कहते हैं ग्रॉस एरर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्करिंग ब्रिज इज यूज टू मेजर बीच ऑफ द फ्लोइंग देखिए आपका ऑप्शन दिया फ्रिक्वेंसी इंडक्टेंस कैपेस्टेंस एंड रेजिस्टेंस तो जो स्क्रिंग ब्रिज होता है उसका uh, जो यूज कहां किया जाता है एज बी ऑल नो दैट इट इज यूज टू मेजर द कैपेस्टेंस कैपेसिटेंस, ओके गाइज चाहे आपका कैपेसिटेंस हो या आपका केबल इंसुलेशन हो कहीं पे भी हो डेक्ट्रिक से रिलेटेड कैपेसिटेंस से रिलेटेड कोई भी ब्रिज अगर यूज होगा हो तो स्केरिंग ब्रिज होता है और फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है बिन ब्रिज हम सभी जानते ही है और इंडक्टेंस के लिए कौन से यूज़ किए जाते हैं इंडक्टेंस के लिए काफ़ी ब्रिज यूज़ किया जाता है मैक्सवेल ब्रिज है है ना एच ए वाई लार्जर इंडक्टेंस के लिए हे hey ब्रिज है इस तरह के है ना कैपस्टेंस के लिए स्केरिंग ब्रिज हो गया और उसके बाद बचा हमारे पास रजिस्टेंस रजिस्टेंस के लिए जैसे आपका भीट स्टोन ब्रिज हो गया है ना कैलविन डबल ब्रिज हो गया और उसके बाद आपके जो अदर्स स्मॉलेस्ट वेरी वेरी स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए जैसे आपका जो रेजिस्टेंस मेजरमेंट मेथड छोटे छोटे यूज़ किए जाते हैं लेकिन मे, मेजरली आपका बीट स्टोन ब्रिज और कैलविन डबल ब्रिज मेथड यूज़ किए जाते हैं ओके गाइज उसके बाद है ए मूविंग कॉयल ऑफ ए मीटर हैज ए हंड्रेड टर्नस एन आपके पास दिया हुआ है एंड अ लेंथ एंड डेप्थ ऑफ टेन एम 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 एंड टू हंड्रेड एम एम रिस्पेक्टिवली इट इज पोजिशन इन द यूनिफॉर्म रेडियल फ्लक्स डेंसिटी रेडियल फ्लक्स डेंसिटी आपके पास दी हुई है और आपके पास करंट भी दिया हुआ कॉयल में और आपको पूछा टॉर्क क्या होता एज वी नो दैट टॉर्क होता है एन बी ए आई साइंथीटा तो एन बी ए आई आपका सारे सारी वैल्यू दिया आप इस फॉर्मूले को याद रखिए बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो आपने इस इक्वेशन में एन की जगह एन भरो और बी की जगह आप पुट कर सकते हैं फ्लक्स डेंसिटी और ए की जगह एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इसको स्क्वेयर मीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हो टू हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय टेन माइनस सिक्स स्क्वेयर मीटर ओके गाइज करंट की जगह फिफ्टी मिली एम्पियर मिली टेन स्टोर माइनस थ्री एज बी ऑल नो दैट तो अगर हम इस सारे सारी वैल्यू को भर दें तो जो आपके पास जो राइट आंसर आएगा 200 हंड्रेड माइक्रो मीटर है ना चलो क्वेश्चन कै किसी भी टाइप का हो सकता है वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन आपको फॉर्मूला होना चाहिए कि अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दी हुई है एरिया दिया हुआ है करंट दिया हुआ नंबर ऑफ टर्न्स दिए तो आपको टॉर्क कैसे निकालना है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एरिया एंड करंट टीज इक्वल टू एन बी आई ए सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अट्रक्शन एंड रिपल्जन टाइप इंस्ट्रूमेंट आर टू डिट टाइप ऑफ बिच इंस्ट्रूमेंट देखिए अट्रेक्शन और रिपल्जन देखिए ऑप्शन है मूविंग आयरन टाइप मल्टीप्लायर डायनोवो मीटर टाइप इंडक्शन टाइप देखिए पहले तो हमें इसको समझना होगा जो अट्रेक्शन एंड रिपल्जन क्या होता है आपका एक मूविंग आयरन जो टाइप जो आपका इंस्ट्रूमेंट रहता है उसमें टू कॉइल्स रहते हैं और बीच टू कॉइल परमानेंट कॉइल फिक्स्ड कॉइल और बीच में क्या रहता है आपका आयरन सॉफ्ट आयरन पीस रहता है और ये क्या करता है इनकी मैग्नेटिक फील्ड के या तो रिपेल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा रिपेल अट्रैक्ट रिपेल अट्रैक्ट रिपेल अट्रैक्ट इस मेथड पर क्या करता है वर्क करता है उसी की वजह से जो क्या होता है आपका टॉर्क uh, प्रोड्यूस होता है तो अट्रैक्शन एंड रिपलजन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूविंग आयरन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ओके गाइज नेक्स्ट है द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी जो आप क्वांटिटी मेजर करते हो वो क्या है क्वेश्चन आंसर आंसर है इज़ ए कंपैरिजन ऑफ अन क्वांटिटी विद नॉन क्वांटिटी नेक्स्ट है इन कंपेयर इज ए कंपैरिजन ऑफ ए अनन क्वांटिटी विद अनदर क्वांटिटी इन इज ए कंपैरिजन ऑफ अन क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड और नन ऑफ दिस देखिए सपोज हमारे पास कोई कोई भी चीज़ है वायर है कुछ भी है वन मीटर उसकी लेंथ है ठीक है उसको हम वन मीटर स्केल जिसमें ऑलरेडी स्टैंडर्ड वैल्यू आपके पास दी हुई है वन मीटर का क्या है स्केल है इससे हम इसको मेजर कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं एक तरह से इज ए कंपैरिजन ऑफ अनन क्वांटिटी अनन क्वांटिटी जो ही हमारे पास दी हुई है इसको हम मेजर कर रहे हैं विद स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड आपका वेरिएबल स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो आपका जो ऑप्शन क्या है द मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी इज नथिंग बट सिंपली इज ए कंपैरिजन ऑफ अनन क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड क्वांटिटी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज

आपका परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस वैक्यूम और आपको बस दिए परमेबिलिटी फ्री और वैक्यूम वैक्यूम्री फ्री स्पेस और वैक्यूम तो ये ऐसे यूनिट हम सभी जानते हैं ये क्या होता है ये सी होता है डेंसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट का एक तरह से यूनिट है और डायमेंशन स्कैलिटी मैंने इसमें बन रहता है तो इसमें जो ऑप्शन जो राइट रहेगा स्पीड ऑफ लाइट डायमेंशन बोथ ए एंड बी सी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर एप्सिलॉन इज रिलेटेड टू योर permittivity is related to electric field and permeability is related to magnetic field next uh, which are the following is most suitable for measuring <coughs> radio frequency रेडियो फ्रिकुवेंसी करंट देखिए जो रेडियो फ्रिकुवेंसी करंट जब आपके क्या करती है आ, आपका ऑप्शन um, है मूविंग कोयल मीटर मूविंग आयरन मीटर नेक्स्ट इज़ थर्मोकपल मीटर द राइट आंसर इज योर थर्मोकपल मीटर थर्मोकपल मीटर में क्या रहता है जब आपका उसके इसके हीटिंग कोयल में जब आपका जो रेडियो फ्रिकुंसी करंट फ्लो करता है उसमें हीट जनरेट होती है जो वोल्टेज इज इंड्यूस्ड ई एम एफ ही वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर हीट heat so it is measured by properly measured by thermocouple type of meter so the radio frequency currents jo hai, the meter is most stable for measuring radio frequency current that is your thermocouple meter so guys uh, it was the part third of uh, uh, instrumentations measurements uh, and materials and uh, i hope uh, you understand uh, what i have said and so um, keep in touch with that narrow world and subscribe our channel and share and like our video thank you very much thank you thank you